हाय गाइस, वेलकम बैक टू द मूवीज क्लाउड। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हॉलीवुड की बनी 10 बहुत ही कमाल के जंगल एडवेंचर मूवीज जो कि हिंदी डब के साथ बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंदर अवेलेबल है। एंड ट्रस्ट मी, इन मूवीज को तुम 2024 में मिस नहीं कर पाओगे। 500 साल पहले मेरी फैमिली को सबसे बड़ा खजाना मिला, मगर उनके साथ धोखा हुआ, बहुत खून बहा। लिस्ट के अंदर मौजूद इन सभी मूवीज के लिए मैं आपसे थोड़ा सा टाइम लूंगा ताकि मैं इन मूवीज की कहानी, क्या कॉन्सेप्ट, इन मूवीज के क्या रेटिंग या फिर कौन सी ओटीटी पे है, ये सब कुछ बता सकूं। इसी वजह से मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा आपसे। ट्रस्ट में, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें बहुत सारी फैंटेसी एडवेंचर जंगल एडवेंचर मूवीज के नाम जानने को मिल सकती है। तो बिना से तरीके चले आज के काउंटडाउन को हम शुरू कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले मूवी से जिसका नाम है मिस प्रिग्रेंस होम्स फॉर प्रीक्यूलर चिल्ड्रन, जो कि साल 2016 की बनी काफी कमाल की फैंटेसी और एडवेंचर मूवी है जिसके अंदर तुम्हें कहानी देखने को मिल सकता है जेकब नाम के एक लड़के की कहानी, जो कि अपने ग्रैंडफादर की कहानी को फॉलो करके वो पहुंच जाता है एक मिस्टीरियस आइलैंड में, और उस मिस्टीरियस आइलैंड में उसे मिलता है एक घर जहाँ बहुत सारे बच्चे हैं और इन सभी बच्चों के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक सुपर पावर्स है। और ये सभी स्पेशल बच्चे एक गार्डियन के साथ रहती है जिनका नाम होता है मिस प्रिग्रेंस। लेकिन वहां जाने के बाद जेकब को पता लगता है कि इन सभी बच्चों की जान खतरे में है क्योंकि कुछ मॉन्स्टर हैं जो कि इन्हें काफी लंबे टाइम से ढूंढ रहे होते हैं इन्हें मार के खाने के लिए ताकि उनकी शक्तियों को हासिल कर सके। और इसी बीच मूवी के अंदर जेकब को पता लगता है कि वो ही सिर्फ आखिरी उम्मीद है इन बच्चों को मॉन्स्टर से बचाने के लिए। तो इसके बाद की कहानी को जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं हॉटस्टार या प्राइम वीडियो के अंदर, जो कि आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं इसके अगली मूवी की जिसका नाम होता है द लॉस्ट सिटी, जो कि 2022 की बने एडवेंचर और एक्शन मूवी है जहां तुम्हें कहानी देखने को मिल सकती है लॉरिटा नाम के एक फेमस नॉवल कहानी राइटर की स्टोरी, जो हाल ही में वो एक फैंटेसी रोमांटिक कहानी नॉवल लिखती है। लेकिन जैसे ही उस नॉवल के प्रमोशन करने के लिए वो एक जगह आई होती है, वहाँ एक अमीर इंसान आके उसे किडनैप करके उसके स्पॉट वाले जगह के अंदर ले जाता है। और ये चीज सुन के लॉरिटा की पूरी तरीके से फट के हाथ में आ जाती है। तो इसके बाद मूवी की कहानी में क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड क्या कुछ एडवेंचर एंड कॉमेडी चीजें होगा, ये सब कुछ चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं जो कि प्राइम वीडियो के अंदर हिंदी डब के साथ अवेलेबल है। तो बात करते हैं इसके नंबर 8 मूवी की जिसका नाम है एनाकोंडास द हंट फॉर ब्लड ऑरेस्ट। ये एक हॉरर एडवेंचर मूवी है जहां तुम्हें कहानी देखने को मिल पाता है कुछ ऐसे लोगों की कहानी, एक क्रू होता है जिन्हें तलाश अमेज़न के जंगल के अंदर मौजूद एक ब्लड ऑरेस्ट नाम की फूल की, जो कि लोगों को अमर बना सकते हैं, मतलब कि उन्हें हमेशा जवान रख सकते हैं। और उसी फ्लावर को ढूंढने के लिए ये लोग अमेज़न के जंगल के अंदर आना चाहते हैं, और इसी वजह से वो एक आदमी को हायर करते हैं जिसके पास मौजूद होता है एक बोट, और वो लोग उस बोट के जरिए उस जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे जाके इनका बोट डूब जाता है और इसी वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी अमेज़न के जंगल के बीच से हुए गुजरना पड़ता है उस जगह तक पहुंचने के लिए। लेकिन बीच रास्ते में उनका सामना होता है बहुत ही बड़े एनाकोंडा। इसके बाद की स्टोरी को जानने के लिए तुम इस मूवी को देख सकते हो जो कि हिंदी डब के साथ प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स के अंदर अवेलेबल है। सो बात करते हैं इसके नेक्स्ट मूवी की जिसका नाम है जुरासिक पार्क 3। यह 2001 में बनी थी एक साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी है जहां तुम्हें कहानी देखने को मिल पाता है पॉल नाम के एक रिच कपल की स्टोरी, जो कि हायर करते हैं एलन नाम के एक आदमी को जिसे डायनासोर्स के बारे में हर एक चीज पता होता है। और वो कपल एलन को लेकर एक आइलैंड के अंदर पहुंचना चाहते हैं जहां वो लोग ढूंढने वाले हैं एक इंसान को जो कि उनका ही बेटा होता है। No such thing as safe. We have to get back. ऐसे में उन्हें नहीं पता कि वो लड़का उस आइलैंड के अंदर जिंदा है या फिर नहीं। ऐसे में वो लोग वहाँ पहुँचने के बाद उनके सामने क्या कुछ खतरे आते हैं और उस जगह के अंदर कितने खतरनाक डायनासोर्स हैं, ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता लग सकता है। लिटरली ये मूवी तुम्हें पूरी तरह से मजबूर कर देगी ताकि तुम डरो इस मूवी को देखने के बाद, क्योंकि जंगल के अंदर मौजूद डायनासोर्स कब कहाँ से हमला कर दे किसी को भी नहीं पता। मूवी आपको हिंदी डब के साथ जियो सिनेमा और प्राइम वीडियो के अंदर देखने को मिल सकता है, तो जरूर देखने की कोशिश करना। सो बात करते हैं इसके नेक्स्ट मूवी की जिसका नाम है डोरा एंड द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड। इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिल पाती है डोरा नाम की लड़की की कहानी, जिसे अचानक से पता लगता है कि उसकी मॉम डैड जो कि जंगल के अंदर मौजूद एक ऐसे सिटी को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि पूरी तरह से सोने से भरी भरी है। Awesome. और उसी लॉस्ट सिटी को ढूंढने के चक्कर में डोरा की मॉम डैड अचानक से कहीं पर गायब हो चुके हैं, जिसका पता अब डोरा को लग चुका है। लेकिन इसी बीच कुछ लोग हैं जो कि डोरा को किडनैप कर लेते हैं, जिसके साथ उसके कुछ नए दोस्त भी होते हैं, और वो लोग उन किडनैपर्स के चंगुल से छूटकर जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं ताकि वो डोरा की मॉम डैड को ढूंढ सके। अब इसी जंगल में उनके साथ क्या कुछ चीजें होगा और डोरा की अपनी मॉम डैड को ढूंढ पाएगी या फिर नहीं, और सबसे बड़ा सवाल वो लॉस्ट सिटी जो कि पूरी तरह से सोने से भरी पड़ी है, क्या उसे ढूंढ पाएगी या फिर नहीं, इसी कहानी को जानने के लिए तुम्हें ये पिक्चर देखनी पड़ती है। मूवी नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के अंदर अवेलेबल है और वो भी ऑफिशियली हिंदी डब के साथ। चले इसी के साथ बात कर लेते हैं इसके अगली मूवी की जिसका नाम है इंडियाना जोन्स एंड द किंगडम ऑफ द क्रिस्टल स्कल, जो कि 2008 की बनी वन ऑफ द बेस्ट ट्रेजर हंटिंग और एडवेंचर मूवीज में से एक है। फिल्म की कहानी फोकस करती है इंडियाना जोन्स के कैरेक्टर के ऊपर, जो कि हाल फिलहाल में एक बहुत बड़े मिशन को अंजाम देने के बाद वो अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर वापस आ चुके। लेकिन इसी बीच एक लड़की के थ्रू इंडियाना जोन्स को मिलता है एक नक्शा जहां पर बहुत ही पुरानी भाषाएं लिखा गया था, जो कि इंडियाना जोन्स समझ सकते हैं कि इस लेटर के अंदर या फिर इस नक्शे के ऊपर
में लिखा गया है कि बहुत ही खतरनाक क्रिस्टल स्कल के बारे में, जिसके अंदर मौजूद है कुछ बहुत ही अलौकिक शक्तियां। लेकिन इसी दौरान इंडियाना जोन्स को पता लगता है कि कुछ सोवियत एजेंट है जो कि इसी क्रिस्टल स्कल को ढूंढ रहे होते हैं, और ऐसे में इंडियाना जोन्स को उनसे पहले इस क्रिस्टल स्कल को ढूंढना है ताकि वो बुरे हाथ में जाने से पहले उनसे रोक सके। मूवी हिंदी डब के साथ जियो सिनेमा और प्राइम वीडियो के अंदर अवेलेबल है, तो आप जरूर देखने की कोशिश करना। इसके नंबर 4 पर आती है द लेजेंड ऑफ टार्जन, जो कि 2016 की बनी एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है, और इस मूवी के अंदर जो टार्जन की कहानी है ये थोड़ा सा आगे बढ़ती है। वेल, कहानी फोकस करती है टार्जन के ऊपर, जो कि अपने जंगल लाइफ को भूल कर वो अपनी वाइफ के साथ इंसानों के बीच रहने लगता है। लेकिन इसी बीच एक प्रोफेसर की वजह से उसे ना चाहते भी जंगल दोबारा लौटना पड़ता है उस प्रोफेसर और अपनी वाइफ के साथ। लेकिन इस जर्नी के बीच रास्ते में कुछ लुटेरे हैं जो कि टार्जन की वाइफ को किडनैप करके ले जाते हैं, और ऐसे में ना चाहते भी वो मदद मांगने के लिए अपने पुराने लोगों के पास, जो इंसान नहीं बल्कि एप्स हैं, उनके पास जाते हैं मदद मांगने के लिए। ऐसे में क्या वो एप्स टार्जन की मदद करेंगे या फिर नहीं, और टार्जन किस तरीके से अपनी वाइफ को बचाएगा उन लुटेरों से, इसकी कहानी को जानने के लिए तुम्हें ये पिक्चर देखनी पड़ती है, जो कि फिलहाल प्राइम वीडियो के अंदर ऑफिशियल हिंदी डब के साथ अवेलेबल है। बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट मूवी की, जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा जंगल एडवेंचर देखने को मिल पाता है, और इस मूवी का नाम है किंग कॉन्ग, जो कि लगभग 2005 को रिलीज हुआ था, जहां तुम्हें कहानी देखने को मिल पाता है एक फिल्म डायरेक्टर की कहानी, जो कि अपनी मूवी क्रू के साथ उसे एक मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में पता लगता है, वहां पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद उस फिल्म डायरेक्टर को पता लग चुका था कि ये जो आइलैंड है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस आइलैंड के अंदर मौजूद है कुछ बहुत ही बड़े बड़े क्रीचर्स, मॉन्स्टर, और एक बहुत ही बड़ा किंग कॉन्ग गोरिल्ला। और यही किंग कॉन्ग उस मूवी क्रू के अंदर मौजूद जो हीरोइन होती है उसे किडनैप करके या फिर उसे उठाकर ले जाता है। अब ऐसे में ये मूवी क्रू वाले किस तरीके से अपनी हीरोइन को बचाएंगे इस बहुत ही खतरनाक जंगल के अंदर, यही कहानी को तुम इस मूवी के अंदर देखकर एंजॉय कर सकते हो। हाँ, ये मूवी आपको हिंदी डब के साथ देखने को मिल पाता है नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा के अंदर। सो आज के लिस्ट के नंबर 2 पे आता है द जंगल बुक, जो कि 2016 की बनी कमाल की एडवेंचर और फैमिली फ्रेंडली मूवी है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिल पाता है मोगली नाम के लड़के की कहानी, जिसे पाल पोस के बड़ा क्या है वुल्फ्स, और इसके साथ साथ कुछ और भी जानवर होते हैं जो कि जब तुम मूवी को देखोगे तुम्हें पता लग जाएगा। लेकिन इस मूवी के अंदर एक विलन है, यानी कि एक शेर जिसका नाम है शेर खान, ये मोगली को मार के खाना चाहता है, और उसका सबसे बड़ा दुश्मन इंसान होते हैं। ऐसे मूवी के अंदर मोगली अपने इसे छोटी सी जान बचाने के लिए क्या करता है, अगर आपको ये कहानी देखना है तो तुम इस मूवी को देख सकते हो, जो कि फिलहाल प्राइम वीडियो के अंदर अवेलेबल है ऑफिशियल हिंदी डब के साथ। तो लिस्ट के नंबर 1 पर आते हैं अवतार पार्ट 1, जो कि साल 2009 को रिलीज हुआ था 7.9 के IMDb रेटिंग के साथ, और इस मूवी के अंदर जिस लेवल की VFX फोर का आपको देखने को मिल पाता है, और इसी के साथ साथ जिस लेवल की इमेजिनेशन चीजें आपको देखने को मिल पाता है, ये तो हमारा आप सोच भी नहीं सकते। इस फिल्म की जो कहानी है ये अगर मैं तुम्हें बता दूं तो शायद तुम्हें देखने में इतना मजा नहीं आ सकता, तो इस वजह से मूवी की कहानी मैं नहीं बताऊंगा, बट तुम इस मूवी को जरूर देखने की कोशिश करना, जो कि प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस और स्टार के अंदर हिंदी डब के साथ अवेलेबल है। लेकिन हाँ, इस मूवी के अंदर जो एनवायरनमेंट आपको देखने को मिल पाता है मूवी के अंदर, वो जंगल वाले सीन्स, रात का माहौल, हर एक चीज बहुत बहुत ज्यादा परफेक्ट है। एंड इसी के साथ साथ इस मूवी का 2nd पार्ट भी है, यानी कि अवतार 2, जो कि तुम्हें डिज्नी प्लस और स्टार और प्राइम वीडियो के अंदर देखने को मिल पाता है हिंदी डब के साथ। अब बात करते हैं कुछ बोनस मूवी की जो तुम्हें जरूर देखना चाहिए, जैसे कि जंगल क्रूज, जंगल, और जो लास्ट मूवी है ये मेरी फेवरेट मूवीज में से एक है, जिसका नाम है टॉम राइडर लारा क्रॉफ्ट। आई होप दैट इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें शायद कोई ना कोई अच्छी मूवी का नाम जरूर मिल चुका होगा, जो तुम हिंदी डब के साथ देख सकते हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इंटरेस्टिंग काउंटर्स देखने के लिए और जानने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड।